छात्रों, पिछली बार आपको मैंने चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th मैथ्स में समरूप त्रिभुज का चैप्टर स्टार्ट किया था और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं यानी सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं उनकी विशेषताएं बताई थी और उस पर आधारित 6.1 प्रश्नावली जो हैं उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे। ठीक है, आज इसी चैप्टर में हम थेल्स थ्योरम जो कि एक महत्वपूर्ण प्रमेय है जिसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपको परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 3 से 4 थ्योरम्स बहुत अच्छे हैं, खास करके थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। उसमें से आज हम थेल्स थ्योरम करते हैं तो आपका छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो आपके सामने कथन लिखा है, मैं आपको समझूंगा इसको। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ठीक है, स्टेटमेंट को आप समझ के याद करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। अभी मैं समझाता हूँ आपको। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल विच इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। ठीक है, इसको हम डायग्राम से देखते हैं। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि किसी भी त्रिभुज में मान लिया जाए, एक त्रिभुज लिया मैंने ABC, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये भुजा ली BC, इसके समांतर एक रेखा खींची, ये खींची एक रेखा जो कि अन्य दो रेखाओं को दो बिंदुओं पर, दो अलग अलग बिंदुओं पर, देखिए आप पूरी बात इस पे लागू हो रही है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा जो अन्य दो भुजा AB और AC को दो अन्य बिंदुओं भिन्न बिंदु बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है तो वे अन्य दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा समान अनुपात में विभाजित होती है। मीन्स AD/DB इक्वल्स टू AE/AC, यानी इंग्लिश में बोला है इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन दिस लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब अगर एक लाइन को हम इसके पैरेलल खींचेंगे एक साइड के तो ये लाइन इन दोनों को जहाँ डिवाइड कर रही है ये रेशियो इनका इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको अगर कहा जाए कि व्हाट इज द स्टेटमेंट या राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम और BPT, शॉर्टकट में इसको BPT भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, डायग्राम भी बनाना है और फिर आपको लिखना है कि थेल्स थ्योरम के अनुसार इफ यदि DE पैरेलल है किसके BC के तो ऐसी पोजीशन में बाय थेल्स थ्योरम AD/DB = AE/EC। ये आपको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी याद रखना है और इसको अप्लाई भी करना है किसी ट्रायंगल पर और साथ में इससे हम क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आपको ये याद रखना है। और ये कब अप्लाई होता है, जब आप इसके पैरेलल बनाएंगे। ठीक है, एक इसका भी प्रूफ भी करेंगे हम, तो अब मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ। प्रूफ देखिए आप, प्रूफ ऑफ द थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स प्रमेय का आपको सिद्ध करना है, तो अगर परीक्षा में आता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए तो आपको पूरा क्वेश्चन बनता है इसका, आराम से इसको समझें। पहले चित्र बनाएंगे, हमेशा आपको प्रमेय सिद्ध करने के लिए चित्र बनाना आवश्यक है, बिना चित्र के आपको प्रमेय के एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। त्रिभुज ABC बनाया क्योंकि प्रश्न में कहा है कि किसी त्रिभुज, यानी त्रिभुज तो आपको बनाना ही है, किसी त्रिभुज में एक भुजा, ये एक भुजा BC थी, इसके समांतर मान लिया जाए मैंने एक रेखा खींची, ये रेखा खींची DE, ठीक है, जो अन्य दो भुजाओं को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC, ए लाइन ड्रॉन D पैरेलल टू BC एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट AB एंड AC एट द पॉइंट D एंड E, ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसका स्टेटमेंट के बाद में आपको 4 पॉइंट्स में थ्योरम्स को प्रूव करना है कि सबसे पहला तो होता है आपका डायग्राम, तो डायग्राम क्लियर हो गया। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट होता है गिवन दैट, दिया है
तो क्या दिया आपको, जो दिख रहा है उसमें वही आपको दिया है। जैसे इसमें इस क्वेश्चन से ही आपका क्लियर हो जाता है कि गिवन डेट में क्या आएगा। एक ट्रेंगल दिख रहा है, तो ट्रेंगल एक त्रिभुज है ए बी सी, और जिसमें क्या है डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ये साइन किसका है, समांतर का। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल है यानी कि समांतर है बी सी के, ठीक है। और साथ में ये भी लिख सकते हो आपकी डी रेखा ए बी तथा ए सी को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका दिया हुआ पॉइंट हो गया। इन ए ट्रेंगल या ए ट्रेंगल ए बी सी इन विच डी पैरेलल टू बी सी एंड डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट द पॉइंट डी एंड ई, देन वी हैव टू प्रूव दैट। तब आपको सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव हम सिद्ध करना चाहते हैं, जैसा आपको मैंने पिछली बार बताया, ये रेशो और ये रेशो इक्वल होना चाहिए, मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू आना चाहिए ए ई अपॉन ई सी के बराबर, ठीक है। इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के इक्वल आता है। ये आपका थ्योरम थ्योरम का मेन बेसिक फंडा है। इसके बाद में इसकी रचना, रचना मीन्स कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है जो आपको दिख रहा है, उसके अलावा कुछ बताना पड़ता है कंस्ट्रक्शन में। जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बी को ई से ज्वाइन किया, डी को सी से ज्वाइन किया, यानी बी को ई से मिलाया तथा सी को डी से मिलाया। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाना है। ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचा, इसका नाम देते हैं हम एल, और इधर एक लंब खींचा एम। तो ये बोलेंगे हम कि बी को ई से मिलाया, सी को डी से मिलाया, ई एल लंब खींचा ए बी पर और डी एम लंब खींचा ए सी पर, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे आप ज्वाइनिंग पॉइंट बी टू ई सी टू डी ड्राई परपेंडिकुलर ई एल ऑन ए डी एंड डी एम ऑन ए सी, ठीक है। क्या लिखेंगे, बी को ई से तथा, बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, ज्वाइन द पॉइंट बी टू ई एंड सी टू डी, और क्या काम किया, ई एल, ई एल लंब खींचा, ये साइन का एक है परपेंडिकुलर की लंब, ई एल लंब खींचा किसके ऊपर, ए बी पर, एवं एक और डी एम लंब खींचा किसके ऊपर, ए सी पर खींचे। ये कंस्ट्रक्शन में जो भी एक्स्ट्रा वर्क करते हैं वो आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना है। इसको जो डॉटेड लाइन से शो किया वो सब आपका कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। उसके बाद में आता है उपपत्ति, दैट इज प्रूफ। तो प्रूफ में आपको एक्स्ट्रा वर्क मेन आपका इसी में आएगा, कंटेंट जितना भी है। ये लगभग आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं कंप्लीट, मान लो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 नंबर आपको यहाँ तक के थ्योरम के मिल सकते हैं और 2 नंबर इसके प्रूफ के हैं। तो प्रूफ हम देने वाले हैं। प्रूफ में क्या करना रहेगा, आपको एक फार्मूला आपको याद दिलाता हूँ मैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज अगर ए बी सी है या कोई भी त्रिभुज है तो उसका अगर आपको बेस पता है और साथ में उसका हाइट पता है तो उसका फार्मूला आपको निश्चित रूप से याद होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, याद आया, आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है। 1/2 बी इंटू एच, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। अब यहाँ पर आपको मेन जो समस्या आती है, बच्चों को जो समझ में नहीं आता वो बात मैं बताने वाला हूँ, उसको विशेष रूप से आप समझें। यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, बट आपको ये मानना है कि एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला लेना है और एक आपको इधर का ट्रायंगल लेना है, दो और एक ट्रायंगल ये 3 ट्रायंगल की बात करने वाले हम। पहले ऊपर वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ में लेंगे, फिर ऊपर वाले ही ट्रायंगल को इसके साथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंगल ए डी ई और ट्रेंगल बी डी दोनों के एरिया की बात करना है, बाद में ए डी ई और साथ में इसके सी डी ई की बात करना है, ठीक है। देखिए आप, ट्रेंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। एक पेयर इधर कर लेंगे, बाद में जस्ट ऐसा ही इधर ले लेंगे। इसको भी आप बड़े इजी गोइंग याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं, आपको पता है 1/2, फिर यहाँ पर भी 1/2 आधार आता है दोनों का, तो आधार अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं कि AD अपॉन DB आएगा,
क्यों आएगा वो भी देख लेते हैं। ये त्रिभुज है, ये इसकी हाइट है और इसलिए बेस ये हुआ AD। इस प्रकार से ये त्रिभुज है, ये हाइट लेंगे हम इसका, तो यहाँ पर भी इसका जो बेस होगा वो BD होगा या DB होगा। तो आपको यहाँ से उठा लेना इसको AD बटे DB को। उसके बाद में हाइट, अब देखिए हाइट, इस ट्रेंगल की हाइट आपको जो दिख रही है वो EL लेंगे। आपको लग रहा होगा कि हाइट ऐसे होती है, बट इसको यहाँ से हमने परपेंडिकुलर बनाया इसलिए उसकी हाइट EL लेंगे। ये EL हाइट हो गई इधर की। इसी प्रकार से इस त्रिभुज की भी हाइट ये वाला EL ही यूज़ करेंगे आप, ठीक है। अगली स्टेप में 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देंगे, EL से EL कैंसिल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन DB। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 1/2 दोनों में आएगा। आधार दोनों के यहाँ से उठा सकते हैं आप, और जो ऊंचाई रहेगी वो EL यूज़ करना है। इसी प्रकार से मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाला त्रिभुज कॉमन रखना है, ऊपर वाला फिर से लेना है। अगेन ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे इंग्लिश में। इसी प्रकार से त्रिभुज इधर वाले का नाम CDE का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा 1/2, जैसे 1/2 दोनों आता ही है। आधार के बारे में आपको मैंने बताया था, आधार अगर याद नहीं आता तो यहाँ से देख सकते हैं आप, AE अपॉन EC। ऊंचाई की बात करें तो पहले हमने EL ऊंचाई ली थी, इस बार आपको DM लेना है। ये DM इधर की भी हाइट, DM इसकी भी हाइट, दोनों को कट कर दीजिए। ए 1/2 से 1/2, DM से DM, तो ये बनेगा आपका AE अपॉन EC। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम देखें तो हमारा थ्योरम तो अगर इक्वेशन 1 और 2 दोनों को अगर इक्वल कर दे RHS तब ये दोनों आपका प्रूव हो जाएगा जो आपको प्रूव करना है। बट ये कब होगा, जब LHS दोनों का बराबर होगा। LHS में ऊपर का पार्ट दोनों का सेम है, अगर नीचे के एरिया दोनों का बराबर हो जाए तो आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। मीन्स आपको यहाँ पर ये बात याद रखना है, देखिए एक पार्ट तो ये दिख रहा है आपको ये वाला, और एक ये दिख रहा है, ये दोनों ट्रेंगल के एरिया बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, एक थ्योरम अगर आपको याद आ रही हो क्लास 9th में आपने पढ़ी थी कि दो समांतर रेखा, जैसे ये देखिए आप, दो समांतर रेखाओं के बीच बने ऐसे त्रिभुज जिनके आधार एक ही हो, ये देख रहे हैं आप, इस त्रिभुज का आधार ये है, इस त्रिभुज का भी आधार यही है। तो आपको ये लिखना है कि दो समांतर रेखाओं के बीच ऐसे त्रिभुज जिनका आधार एक ही हो तो उन दोनों के क्षेत्रफल कैसे होते हैं बराबर। इसका रेफरेंस दे देंगे आप, यानी द एरिया ऑफ टू ट्रेंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इफ देयर बेस इज इक्वल या बेस इज सेम देन द एरिया बोथ ट्रेंगल्स इज आर इक्वल। आपको ऐसे याद रखना है कि अगर किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज बनते हैं और जिनका आधार सेम होता है तो उन दोनों का एरिया निश्चित रूप से बराबर होता है। मीन्स एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CDE दोनों के क्षेत्रफल बराबर होगा, BDE का क्षेत्रफल और CDE का, ये रेफरेंस दे देना। और जैसे आप लिखेंगे कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर, ऊपर का पार्ट पहले से बराबर था, यानी कि समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि LHS बराबर है, और LHS जब दोनों समीकरणों का बराबर है तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 एवं 2 से स्पष्ट है कि AD बटे में DB इक्वल्स टू प्रूव हो गया आपका AE अपॉन EC। यही आपको सिद्ध करना है, ये आपका थेल्स थ्योरम का कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। वीडियो को पोस्ट करके आप आराम से समझ सकते हैं, स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए। कभी कभी स्टेटमेंट आपसे 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, डायग्राम के साथ में स्टेटमेंट क्लियर कर दे 3 नंबर मिल सकते हैं, पूरा कंप्लीट प्रूफ आपको 4 नंबर के लिए एग्जाम में आ सकता है। ओके, थैंक यू।